स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन्सन फार्मासिस्ट आज आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही उम्दा टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें व लेखक। दोस्तों इनसे किसी न किसी एग्ज़ाम में, खास करके UP SSSC, ठीक है, या अधीनस्थ जो राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड होता है, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के, इनमें आपका कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है? पाणिनी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनी। वेरी गुड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रामायण के लेखक कौन है? रामायण जो महाग्रंथ है एक तरीके से, इसके लेखक वाल्मीकि जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यू नो ऑल वेरी वेल, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के लेखक आप सभी लोग जानते हैं, वेद व्यास हैं। महाभारत के लेखक या जो रचयिता हैं वेद व्यास जी हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य, चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक या रचयिता चाणक्य या कौटिल्य है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि। आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा कि महाभाष्य जो पुस्तक है वो पतंजलि जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की। वेरी गुड। सत्सहसारिका सूत्र पुस्तक किसने लिखी? नागार्जुन ने। अब आप बताएंगे सत्सहसारिका सूत्र पुस्तक किसने लिखी? नागार्जुन ने। वेरी गुड। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धचरित किसने लिखी? अश्वघोष ने। बुद्धचरित पुस्तक किसने लिखी? अश्वघोष ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सौंदरानंद पुस्तक किसने लिखी? अश्वघोष ने। अब आप बताएंगे सौंदरानंद पुस्तक किसने लिखी? अश्वघोष ने। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। महाविभाषा शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? वासुमित्र ने। महाविभाषा शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? वसुमित्र ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा, वसुमित्र ने लिखी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वप्रवास वदत्ता पुस्तक किसने लिखी भास ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी वात्सायन ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमार संभवम किसने लिखी? कालिदास ने। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि कुमार संभवम पुस्तक कालिदास ने लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुमार संभवम कालिदास जी के द्वारा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, विक्रमो उर्वशिया पुस्तक किसने लिखी कालिदास ने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत पुस्तक किसने लिखी? आप बताएंगे कालिदास ने। देखिए मेघदूत पुस्तक भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, मेघदूत पुस्तक कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रघुवंशम पुस्तक किसने लिखी कालिदास ने। वेरी गुड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माल विकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी कालिदास। वेरी गुड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? भरत मुनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में पूछा गया बहुत बार, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक, ठीक है, भरत मुनि
नाट्यशास्त्र पुस्तक भरत मुनि ने लिखी। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र पुस्तक हिंदी साहित्य में बहुत ही फेमस। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? भरत मुनि ने। वेरी गुड, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त। देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त। देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त। वेरी गुड दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी? शूद्रक। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी? शूद्रक। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी? शूद्रक। वेरी गुड, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? सूर्य सिद्धांत, जो सूर्य का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट। वेरी गुड, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वृहत्सिंता पुस्तक किसने लिखी? वराह मिहिर। 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 पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र की कहानियाँ आप सुनते हैं, विष्णु शर्मा ने लिखी। पंचतंत्र की कहानियाँ, जो आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं या पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। वेरी गुड, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी। वेरी गुड, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिधम्म कोश पुस्तक किसने लिखी? अभिधम्म कोश पुस्तक किसने लिखी? वसुबंध ने। अभिधम्म कोश पुस्तक किसने लिखी? वसुबंध ने। अभिधम्म कोश पुस्तक किसने लिखी? वसुबंध ने। ठीक है, अभिधम्म कोश पुस्तक किसने लिखी? वसुबंधु ने। ठीक है, अभिधम्म कोश पुस्तक किसने लिखी? वसुबंधु ने। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा राक्षस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतिहास में पढ़ेंगे आप, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? जी वेरी गुड, विशाख दत्त। रावण वध किसने लिखा? भटिट। 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 बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी? भारावी। 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 ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दश कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी? दश कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी? दंडी। दश कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी? दंडी। दश कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी? दंडी। दश कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी? तंडी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी? वाण भट्ट। 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 वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी कूल, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। कादंबरी पुस्तक किसने लिखी? वाण भट्ट। कादंबरी पुस्तक किसने लिखी? वाण भट्ट। कादंबरी पुस्तक किसने लिखी? वाण भट्ट। अब आप बताएंगे कादंबरी पुस्तक किसने लिखी? वाण भट्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। कादंबरी पुस्तक वाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, वासवदत्ता पुस्तक किसने लिखी? वासवदत्ता पुस्तक सुबंध। वासवदत्ता पुस्तक सुबंध, सुबंधु। वासवदत्ता पुस्तक सुबंधु। वासवदत्ता पुस्तक सुबंधु। वासवदत्ता पुस्तक किसने लिखी? सुबंध। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नागानंद पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। नागानंद पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। नागानंद पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। आप बताएंगे नागानंद पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। वेरी गुड, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। अब आप बताएंगे रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? वेरी गुड, वेरी नाइस, हर्षवर्धन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रियदर्शिका पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका पुस्तक किसने लिखी? वाओ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे होशियार हो गए आप लोग।
मालती माधव पुस्तक किसने लिखी? भवभूति। 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 अब आप बताएंगे मालती माधव पुस्तक किसने लिखी? भवभूति। बहुत सही। पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज रासो जगनी खैंस। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक। पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जयानक के द्वारा। पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जयानक के द्वारा। पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जयानक के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्पूर मंजरी राजशेखर। कर्पूर मंजरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्पूर मंजरी किसने लिखी? राजशेखर। कर्पूर मंजरी पुस्तक किसने लिखी? राजशेखर। कर्पूर मंजरी पुस्तक किसने लिखी? राजशेखर। अब बताएंगे कर्पूर मंजरी पुस्तक किसने लिखी? राजशेखर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। 39 क्वेश्चन पे चलेंगे। काव्य मीमांसा किसने लिखी? काव्य मीमांसा किसने लिखी? राजशेखर। काव्य मीमांसा किसने लिखी? राजशेखर। काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखी? राजशेखर। बताएंगे काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखी? राजशेखर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नव सहसांक चरित। नव सहसांक चरित पुस्तक किसने लिखी? पद्मगुप्त। 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 बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्दानुशासन पुस्तक किसने लिखी? शब्दानुशासन पुस्तक किसने लिखी? राजभोज। 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 बहुत सही। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। पढ़ेंगे आप ये हिंदी साहित्य में। वृहत कथा मंजरी किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने। वृहत कथा मंजरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्षेमेंद्र के द्वारा। वृहत कथा मंजरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्षेमेंद्र के द्वारा। वृहत कथा मंजरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्षेमेंद्र के द्वारा। बहुत सही। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर। नैस धचरितम। नैस धचरितम श्री हर्ष ने लिखी। नैस धचरितम पुस्तक किसने लिखी? श्री हर्ष ने लिखी। नैषध चरितम पुस्तक किसने लिखी? श्री हर्ष ने लिखी। नैषध चरितम पुस्तक किसने लिखी? श्री हर्ष ने लिखी। नैषध चरितम पुस्तक किसने लिखी? श्री हर्ष ने लिखी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रमांक देवचरित पुस्तक किसने लिखी? विक्रमांक देवचरित पुस्तक किसने लिखी? बिलहड़। 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 बहुत ही सही। कुमार पाल चरित पुस्तक किसने लिखी? हेमचंद्र। 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 बहुत ही सही। 45 हो गया। 46 पे चलेंगे। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक 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 किसने लिखी? जयदेव। वेरी गुड, वेरी नाइस। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई ये तो आप सभी जानते हैं। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 48 नंबर पे चलेंगे। रजत रंगड़ी कलहड़। रजत रंगड़ी पुस्तक कलहड़ जी के द्वारा लिखी गई। रजत रंगड़ी पुस्तक कलहड़ जी के द्वारा लिखी गई। रजत रंगड़ी पुस्तक किसने लिखी? कलहड़ ने। ठीक है। रासमाला सोमेश्वर। रासमाला पुस्तक किसने लिखी? 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 जी सोमेश्वर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शिशुपाल वध। शिशुपाल वध पुस्तक किसने लिखी? माघ ने। 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 वेरी गुड। गौड़वाहो पुस्तक किसने लिखी? वाक्पति। गौड़वाहो पुस्तक किसने लिखी? वाक्पति ने। गौड़वाहो पुस्तक किसने लिखी? वाक्पति ने। गौड़वाहो पुस्तक किसने लिखी? वाक्पति ने। ठीक है। रामचरित मानस, सॉरी रामचरित केवल, रामचरित पुस्तक किसने लिखी? तो आपको लिखना है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी हैं, उन्होंने रामचरित पुस्तक लिखी है। संध्याकर नंदी, इन्होंने रामचरित पुस्तक लिखी है। तो रामचरित पुस्तक किसने लिखी है? आप बताएंगे संध्याकर नंदी। रामचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? संध्याकर नंदी, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास और केवल रामचरित जो है संध्याकर नंदी। ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 53।
द्वयाश्रम काव्य, द्वयाश्रम द्वयाश्रय काव्य, द्वयाश्रय काव्य, द्वयाश्रय काव्य पुस्तक किसने लिखी? हेमचंद्र। द्वयाश्रय काव्य पुस्तक किसने लिखी? हेमचंद्र। द्वयाश्रय काव्य पुस्तक किसने लिखी? हेमचंद्र। द्वयाश्रय काव्य पुस्तक किसने लिखी? हेमचंद्र ने। तो दोस्तों, हमारा जो ये सेशन था आज का, वो यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट चाहिए, आपको इसी वीडियो में याद होने वाले कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।